नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। दोपहर के दो बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। पहली बड़ी खबर, गुजरात के मोरबी शहर में रविवार की शाम मच्छू नदी पर बना केबल पुल टूटने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 100 के पार चली गई है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार गुजरात सूचना विभाग ने बताया, सोमवार सुबह तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 177 लोगों को बचाया गया है, 19 लोगों का इलाज चल रहा है। सेना, नौसेना, वायुसेना, NDRF और दमकल विभाग तलाशी अभियान चला रहे हैं। हादसे में जान गंवाने वाले की महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार यह पुल करीब एक सदी पुराना था और मरम्मत और नवीकरण कार्य के बाद हाल ही में इसे जनता के लिए खोला गया था। अधिकारियों ने कहा कि जनता के 4 दिन पहले ही फिर से खोले गए इस पुल पर लोगों की काफी भीड़ थी। अधिकारियों के अनुसार पुल रविवार शाम करीब 6:30 बजे टूट गया। अपुष्ट सूचना के अनुसार हादसे में 130 से अधिक लोगों की जान गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अंग्रेजों के समय के इस हैंगिंग ब्रिज पर उस समय कई महिलाएं और बच्चे थे। जब वह टूट गया, इससे लोगों नीचे पानी में गिर गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कुछ लोगों को पुल पर कूदते और उसके बड़े तारों को खींचते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पुल उस पर लोगों को भारी भीड़ के कारण टूटकर गिर गया हो। उन्होंने बताया कि पुल गिरने के चलते लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, मैं अपने कार्यालय समय के बाद दोस्तों के साथ नदी के किनारे आया था। जब हमने पुल के टूटने की आवाज सुनी, हम वहां पहुंचे और लोगों को बचाने के लिए पानी में कूद गए। हमने कुछ बच्चों और महिलाओं को बचाया। वही घटना में घायल हुए एक व्यक्ति ने कहा कि दुर्घटना अचानक हुई और हो सकता है कि यह हादसा पुल पर बहुत अधिक लोगों के कारण हुआ हो। दीपावली की छुट्टी और रविवार होने के कारण प्रमुख पर्यटक आकर्षण पुल के पर पर्यटकों को भीड़ उमड़ी हुई थी। एक निजी संचालक ने लगभग 6 महीना तक पुल की मरम्मत का काम किया था। पुल को 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष दिवस पर जनता के लिए फिर से खोला गया था। दूसरी बड़ी खबर, पूर्व अधिकारी के घर से 2,00,000 करोड़ रुपए नकद और 13 टन सोना निकलेगा तो देश की सरकार के होश उड़ जाएंगे। ना सिर्फ सरकार के होश उड़ जाएंगे, बल्कि अगर किसी पूर्व अधिकारी के घर से इतनी बड़ी रकम और सोना निकलेगा तो उस देश की सरकार भी हैरान रह जाएगी। ऐसा ही कुछ हमारे पड़ोसी देश चीन में हुआ है। चीन में एक पूर्व अधिकारी के घर में 2,00,000 करोड़ रुपया नकद और 13 टन सोना बरामद हुआ है, वो भी उनके घर के बेसमेंट से। जब उनके घर के बेसमेंट में छापेमारी की गई और इतनी बड़ी रकम मिली तो बेसमेंट में जो मिला था उसे देख चीन सरकार की आंखें फटी की फटी रह गई। जिस अधिकारी के घर से इतनी दौलत निकाली गई वह हाइक्यू शहर के पूर्व महापौर भी है, उसका नाम झांग है। उसके घर से छापेमारी के दौरान जांच टीम को 13 टन सोना और 2,62,000 करोड़ रुपए की नकद मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन छापेमारी के दौरान सोने की कीमत 26 अरब से ज्यादा बताई गई है। पूर्व अधिकारी के घर पर इतनी बड़ी संपत्ति निकालने के बाद कहा जाता है कि उनके पास चीन के सबसे अमीर आदमी जैक मा से ज्यादा पैसा है। अधिकारी के घर से इतनी संपत्ति निकालने के बाद वहां की सरकार ने उन पर आर्थिक अपराध का मुकदमा चलाया। बता दें कि इस बारे में सर्च टीम को कहीं से जानकारी मिल जाती है कि जहां टीम की सूचना मिली कि पूर्व अधिकारी के घर में अवैध धन रखा गया है, लेकिन जांच टीम को यह नहीं पता था कि अधिकारी के घर में ऐसी अवैध संपत्ति रखी गई है। तलाशी टीम जब अधिकारी के घर पर पहुंची तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन जब जांच दल अधिकारी ने घर के बेसमेंट में गए तो वह बेहोश हो गया। बेसमेंट का नजारा देखकर सर्च टीम के अधिकारी हैरान रह गए। किसी भी पूर्व अधिकारी के घर से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद राष्ट्रीय पर्यवेक्षी आयोग उसने पूछताछ करने के लिए अधिकारी के घर आना पड़ा। मीडिया ने अधिकारी के तहखाने का वीडियो प्रसारित किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अधिकारी के घर का तहखाना सोने के ईंटों यानी सोने की छड़ों से भरा हुआ है। आपको बता दें कि चीन के मौजूद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2012 में सत्ता संभाली थी। तब से अब तक चीन में भ्रष्टाचार के 10,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। इन 10,000 भ्रष्ट लोगों में से 120 ऐसे लोग हैं जो देश में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे थे। उनमें से कुछ सैन्य अधिकारी भी थे।